बहुत स्वागत अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे गरियाबंद से मिल रही बड़ी खबर के साथ। तेंदुए ने 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया है। हमले में बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। खेत में धान कटाई के दौरान तेंदुए ने हमला किया है। छुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस बच्ची का इलाज चल रहा है। छुरा वन परिक्षेत्र के रक्सी गांव की यह घटना है। वन विभाग ने एहतियातन अलर्ट जारी किया है। इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता रहे, तेंदुए के हमले में बच्ची घायल हो गई है। खेत में धान कटाई के दौरान इस तेंदुए ने हमला कर दिया। वन विभाग ने एहतियातन पूरे आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया है। छुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस बच्ची को भर्ती करवाया गया है। सहयोगी इमरान शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, पूरा घटना जो है छुरा वन परिक्षेत्र के ग्राम रक्सी का है और तेंदुए ने उस वक्त 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया जब बच्ची अपने माता पिता के साथ धान कटाई के लिए खेत में थी। उसी दौरान तेंदुआ आया और तेंदुआ अचानक बच्ची को देख झपट्टा मारा और उसके गला को दबोच लिया, जिसकी वजह से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। तब तेंदुआ हमला कर रहा था, उस दौरान धान काट रहे माता पिता दौड़ते आए और शोर शराबा किए, तब तेंदुआ वहां से भागा और बड़ी मुश्किल से बच्ची की जान इस घटना में बची है। बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरा लाया गया, जहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए अभी उन्हें उचित इलाज के लिए रायपुर रिफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद से ही वन विभाग पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं और तमाम लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि वो खेत की ओर न जाएं और तेंदुआ जो है जिस तरह से हमला किया है, अगर समय पर माँ बाप नहीं आते और वहां पर काम कर रहे लोग नहीं आते तो ये बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि बच्ची का इलाज अभी रायपुर के अस्पताल में चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेख इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी इमरान विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, बैनर पोस्टर हटाने के दौरान हादसा हुआ है। आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। बैनर पोस्टर हटाने के दौरान यह हादसा हुआ। बारसूर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। नक्सलियों ने यहां आईईडी प्लांट कर रखा था, बैनर पोस्टर लगा रखे थे। सीआरपीएफ के जवान इन बैनर पोस्टर को हटा रहे थे और उसी दौरान आईईडी की चपेट में आ गए। धमाका हो गया, दोनों जख्मी हुए हैं। पास के स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती करवाया गया और उसके बाद बेहतर उपचार की अगर जरूरत पड़ती है तो बड़े अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। दंतेवाड़ा के बारसूर थाना क्षेत्र की पूरी घटना। ग्राउंड जीरो में मौजूद हूं, जहां सुबह आईडी ब्लास्ट हुआ है। यहां पर नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर लगाया था, जिसको निकालने के लिए जवान पहुंचे थे, उसी समय आईडी ब्लास्ट हुआ। आईडी ब्लास्ट के जद में आने से 2 जवान घायल हुए। मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो दिखाए, ये वही ब्लास्ट का जगह है जहां नक्सली अपने वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे और ये खून के धब्बे आप देख सकते हैं, ये वही धब्बा है जो जवान घायल हुआ था, उस जवान के खून के धब्बे हैं। और ये एरिया है जहाँ पर नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर लगाया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है और जैसा कि जवानों ने बताया कि यहाँ पर जब ग्रामीण यहाँ से गुजर रहे थे तभी ग्रामीणों ने सीआरपीएफ के जवानों को इस बात की सूचना दी कि वहाँ पर नक्सलियों के द्वारा पोस्टर और बैनर लगाया गया है। आइए हम बात करते हैं। अब बताएं कि जवान जो घायल हुए हैं वो जवान किस तरह से घायल हुए, मामला क्या है और कितने बजे का मामला है? ये तकरीबन 6:30 बजे का मामला है और सुबह यहाँ पर बैनर लगाए हुए थे। हमको पता चला, इधर से सिविल वालों ने बताया कि उधर बैनर लगे हुए हैं और तो हम पेट्रोलिंग के लिए आए, देखा तो यहाँ पर आईडी का पता चला, चेक किया हमने तो आईडी लगा हुआ था, तो उसको बैनर वगैरह हटाने लगे तो उसमें आईडी था, हटाते ही आईडी ब्लास्ट हुआ और हमारे 2 जवान घायल हुए इसमें। कैमरा पर्सन के साथ न्यूज 18 दंतेवाड़ा। भोपाल में नतीजों से पहले कांग्रेस को जीत का पूरा भरोसा है, इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने पीसीसी के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं। पोस्टर में जीत की अग्रिम बधाई दे दी गई है और पोस्टर पर स्लोगन भी जबरा लिखा हुआ है कि जनता का निभाने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ। न्यूज 18 ने जायजा लिया। नतीजों
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना होना अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस का बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। पीसीसी में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशंस जनता का देने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ, और ये पोस्टर लगाया गया है कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज की ओर से। सर, क्या वजह है कि इतना कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं, अभी से बधाई दे दी है? जनता का आश्वासन है, जनता ने आश्वस्त किया है। ऐसी साफ छवि के नेता कमलनाथ जी अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री का चेहरा रहे, आज कमलनाथ जी को जनता ने आश्वस्त किया, कार्यकर्ता ने आश्वस्त किया। हमारा खुद का सर्वे भी है, हमारा खुद का एग्जिट पोल भी है, एक तरह से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीत रही है, और जनता को सिर्फ गुमराह करने के लिए बीजेपी एक एग्जिट पोल का सहारा ले रही है, जबकि आधे से ज्यादा एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। प्रचंड बहुमत के एग्जिट पोल मौजूद हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी पर दबाव कैसे बनाएगी भाजपा अगर मान लेगी कि हार गई है और सामने कर देगी? अभी भी बाज नहीं आ रहा है। लोकतंत्र में छेड़छाड़ करने के लिए एक एग्जिट पोल का सहारा लेके तमाम प्रशासनिक मशीनरी के ऊपर दबाव बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और कुछ नहीं। सर, नीचे आपका पोस्टर लग चुका है, ऊपर वॉर रूम तैयार हो चुका है, वॉर रूम से भी कल लगातार नजर रखेंगे, बातचीत करेंगे सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन कौन नेता वहां मौजूद रहेंगे? देखिए, ये पोस्टर तो कई सारे लग चुके हैं, प्रदेश के अलग अलग कोने में लग चुके हैं। वॉर रूम हमेशा बनता है और मॉनिटरिंग रूम कहलाता है, वो बेसिकली मॉनिटरिंग वहां होती है। दिग्विजय सिंह जी मौजूद रहे थे पिछली बार, कमलनाथ जी मौजूद रहे थे पिछली बार, विवेक तनखा जी मौजूद रहे थे पिछली बार, बाकी ज्यादातर नेता हमारे क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने अपने क्षेत्र में है। ये तीन तो कल होना ही है, और उनके अलावा जिनकी चुनाव जल्दी मतगणना हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा, तो वो भी जल्दी से जल आ जाएंगे। कहीं बाड़े बंदे की तो कोई तैयारी नहीं है सर, रिसोर्ट और वो? मध्य प्रदेश बड़ी क्लियर मेजोरिटी देता है हमेशा, और मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार ठान ली है कि प्रचंड बहुमत देगी और इतनी सीटें आएंगी कि तोड़ फोड़ की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी नहीं। बीजेपी का ऐसा हाल ना हो जाए कि दो तीन गाड़ियों के अंदर पूरे विधायक चले जाएं उनके कार के अंदर बैठ के, ये भी हो सकता है। तो तीन कार ले लें बीजेपी वाले, तीन कार ले लें बीजेपी वाले, ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस कहीं ना कहीं शो कर रही है। और उसके पहले यानी कि मतगणना के पहले, रिजल्ट आने के पहले एक पोस्टर यहां पर लग चुका है जिसमें बधाई अभी से दी जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि कल सूरत क्या होगा, जनता ने अपना सरताज कैसे चुना है, कल ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश में कल ये साफ हो जाएगा कि कमल खिलेगा या लोग कांग्रेस के हाथ के साथ होंगे। तो वहीं मतगणना से ठीक एक दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान बेटे कार्तिकेय के साथ दादा धूनी वाले मंदिर पहुंचे। सीहोर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक दादा धूनी वाले मंदिर के गर्भगृह में बैठकर अपनी पार्टी की बंपर जीत के लिए उन्होंने यज्ञ किया। बेटे कार्तिकेय के साथ पूजा अर्चना उन्होंने की, गर्भगृह वो पहुंचे, दादा धूनी वाले के मंदिर में पहुंचे और दादा धूनी वाले का आशीर्वाद उन्होंने लिया। आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। तो ये सिलसिले हैं, सियासत का टेंपल रन भी आप इसे कह सकते हैं। अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, ये दादा धूनी वाले मंदिर की तस्वीरें सीहोर के। तो जैसे कि जिक्र हम कर रहे थे, 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आने हैं, उससे पहले दोनों दलों के